उत्तर प्रदेश में बिजली विवाद के बीच वाराणसी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को ये आदेश दिए हैं और आदेश में कहा गया है कि वाराणसी में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस में बिजली को लेकर बीजेपी के विधायक कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका अनशन भी तोड़वाया और बिजली मुहैया कराने का आदेश भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक का आरोप था कि यूपी में बिजली सप्लाई में भेदभाव बरता जा रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसदों के क्षेत्रों में ही 24 घंटे बिजली दी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली वितरण विभाग को आदेश दिए हैं कि वाराणसी में 24 घंटे बिजली दी जाए। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी के विधायक इसको लेकर अनशन पर बैठे हुए थे कि बनारस में 24 घंटे बिजली दी जाए। और उनका यह आरोप था कि यूपी की अखिलेश सरकार भेदभाव बरतती है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनके रिश्तेदारों, उनके खासम खास और मंत्रियों के इलाके में तो बिजली रहती है लेकिन बाकी इलाकों में बिजली नहीं रहती है। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ रहे हैं। अशोक, बनारस के लोगों के लिए तो चलिए राहत की खबर है, एक अच्छी खबर है, लेकिन सवाल है कि यूपी के बाकी हिस्सों का क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट जो है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि आज की जो एक बड़ी खबर कही जाएगी वो यही है कि बनारस को लेकर जिस तरह से बीजेपी के विधायक श्यामदेव राय चौधरी लगातार वहां अनशन में बैठे हुए थे कि बनारस को, काशी की जनता को कम से कम बिजली के क्षेत्र में राहत देते हुए 24 घंटे कटौती में बिजली उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराए, तो इसी को लेकर आज बीजेपी का एक डेलीगेशन सीएम अखिलेश यादव से मिला था, जिसमें खुद श्यामदेव राय चौधरी और इसके अलावा लखनऊ के जो पूर्व सांसद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता है लालजी टंडन, इन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके मुख्यमंत्री स्थित कार्यालय स्थित जो उनका है वहां पर उनसे मुलाकात की थी और कई तकरीबन पौन घंटे दोनों लोगों के बीच वार्ता हुई है। उसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये बात रखी गई कम से कम काशी जो प्रधानमंत्री है उसको। जी जी अशोक, अशोक इस वक्त सवाल ये भी है कि इसे अखिलेश यादव की मेहरबानी कहा जाए पीएम के संसदीय क्षेत्र पर या फिर सियासत, क्योंकि अब बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है भेदभाव बरतती है। आज बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बनारस को एक सामान्य लोकसभा क्षेत्र की हैसियत से देखना आप नहीं हुआ, क्योंकि खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और उत्तर प्रदेश की तरफ से जिस तरह से एक पहल की गई है सरकार की तरफ से 24 घंटे कटौती में बिजली देने के लिए, जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी है उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वहां पर कटौती मुक्त बिजली उपलब्ध कराई जाए, तो इस तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये भी मांग उठाई जाएगी कि यूपी के बाकी हिस्सों को भी बिजली मिलनी चाहिए इसी तरीके से जैसे कि बनारस के लिए आदेश जारी हुआ है। अब बिल्कुल लगातार बिजली समस्या को लेकर बीजेपी जो है वो सड़कों पर है, बिजली उत्पादन वितरण और तमाम सारी चीजों को लेकर सरकार की तरफ से सफाई आई है और बीजेपी ने लगातार यही मांग की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में जो बिजली है वो 24 घंटे उपलब्ध करा रही है और कई सारे ऐसे जनपद है जहां पर उपलब्धता कम की जा रही है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।